Hello everyone and welcome to this video. In this video, we are continuing our discussion on WACC calculation. In this video specifically, we will talk about beta part. So what is beta? Beta is an indicator of the stock's volatility in comparison to the overall market. So if beta is, let's suppose it is 2, what does it display? It shows that if the overall market goes up by 10%, then the individual security jiska beta 2 hai, that will go up by 20%. Even otherwise, agar aapka beta 2 hai, to overall market agar 10% niche jayegi, to aapka individual stock will go down by 20%. Theek hai? To beta kya batata hai? Beta batata hai aapka volatility. क्या बताता है? Volatility या इसको आप कहो risk of stock with respect to market index. अब risk कौन सा? Risk भी आपके दो होते हैं. एक कौन सा होता है? एक होता है आपका systematic risk और एक होता है आपका unsystematic risk. दो risk होते हैं. तो unsystematic risk कौन सा होता है? Which can be diversified. This is diversifiable risk. The risk which you can diversify by investing in other companies, that risk is called diversifiable risk or that is called unsystematic risk. So concept ye hai ki market ye kehti hai ki jo risk aapka mitigate kiya ja sakta hai, jo risk aapka diversify kiya ja sakta hai, us risk ko lene ke liye aapko koi reward nahi milega. Theek hai? To jo beta hai wo systematic risk show karta hai. The risk which cannot be diversified, jo aapko lena hi pad raha hai, तो उस रिस्क के लिए आपको रिवार्ड मिलेगा. आपको पता होगा कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें बीटा की कैलकुलेशन यूज होती है. रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम, राइट? यही होता है. तो अगर ये आपका बीटा ज्यादा होगा, यानी कि मान लो 1.5 है, तो आपका ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा. और अगर बीटा किसी कंपनी का कम होगा, रिस्क उसका कम होगा, तो बीटा लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में कम हो जाएगा. तो जब बीटा ज्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, और बीटा कम होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होती है. मतलब, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है? मिनिमम एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी. कॉमन इक्विटी के मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं. तो बीटा बढ़ेगा तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगी, और बीटा कम होगा तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न घट जाएगी. तो यहां पर इसी बात को लेकर के चला गया कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसी के लिए आपको रिवार्ड मिलेगा, जो सिस्टमैटिक नहीं है, जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, उसके लिए आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा. अब ये जो टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, इनमें बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है. तो एक चीज और बात करते हैं बीटा के बारे में. बीटा की कैलकुलेशन क्या है? बीटा की कैलकुलेशन कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न डिवाइड बाय द वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न, राइट? तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम बीटा निकाल सकते हैं. लेकिन अगर इस फॉर्मूले के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करने जाऊंगा कि कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, वेरियंस कैसे निकालते हैं, तो इस पे एक 20 से 25 मिनट की अलग से वीडियो बन जाएगी. बट अगर आप मेरी वीडियोस में देखोगे, मैं थियोरेटिकल टॉपिक्स पे कम बात करता हूं, प्रैक्टिकल जिन चीजों पर आपको रूटीन में ऑफिस में काम करना पड़ेगा उन पे मैं ज्यादा बात करता हूं. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कभी भी हमें ऑफिस में फॉलो नहीं करना पड़ता. ये जो बीटा की कैलकुलेशन है इस पे हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो बीटा है वी कैन सोर्स इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. जैसे क्या हो सकते हैं? याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस, मनी कंट्रोल, एनएससी बीएससी की वेबसाइट, या ब्लूमबर्ग, फैक्सेट, और भी बहुत सारे पेड और फ्री वेबसाइट्स हैं जहां से आप बीटा को सोर्स कर सकते हो. तो वो जो वेबसाइट है जो बीटा वो दे रहे हैं उसके बैकएंड में वो कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन है जहां पे कोवेरियंस और वेरियंस निकल जाएगा, आपको बीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तो बीटा जो वहां पर गिवन है उसे हम डायरेक्टली सोर्स कर सकते हैं. इसके आगे जो हमें ऑफिस में करना पड़ता है मैं वो बताता हूँ. तो वो क्या है इस नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं. तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको एक प्राइवेट कंपनी के केस में तो करना ही करना है, लिस्टेड कंपनीज के केस में भी ये करना रिकमेंडेड है, वो जो मैं भी बताने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर दो बातों पे डिस्कशन करना है. एक है बीटा लिवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलिवर्ड. तो बीटा लिवर्ड क्या होता है? लिवर्ड बीटा जब कंपनी में डेट होता है तो उसे लिवर्ड कंपनी कहते हैं. उस कंपनी का बीटा लिवर्ड बीटा है,
और अगर कंपनी में मान लो डेट नहीं है तो वो कंपनी अनलिवर्ड हो जाती है और उस कंपनी के बीटा को अनलिवर्ड बीटा कहा जाता है। तो अब इसके लिए भी एक टर्मिनोलॉजी में यूज कर लेता हूं, जो अनलिवर्ड बीटा है दैट इज योर एसेट बीटा और जो लिवर्ड बीटा है दैट इज योर इक्विटी बीटा। इनको एसेट बीटा और इक्विटी बीटा भी कहा जा सकता है। तो ये सिचुएशन कब होगी, जब लिवर्ड बीटा और अनलिवर्ड बीटा बराबर होंगे। जब कंपनी में डेट होगा तो उसे लिवर्ड बीटा कहते हैं और जब कंपनी में डेट नहीं होगा तो उसे अनलिवर्ड बीटा कहते हैं। तो जब कंपनी में डेट नहीं है तो अनलिवर्ड बीटा और लिवर्ड बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक बात है। अब आगे डिस्कशन करते हैं, अगर मान लो कंपनी में डेट बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, लिवर्ड बीटा बढ़ेगा कि अनलिवर्ड बीटा बढ़ेगा। लिवर्ड बीटा बढ़ेगा। कितने परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में आप डेट टू इक्विटी लाओगे, तो बीटा अनलिवर्ड इंटू डेट डिवाइड बाई इक्विटी। अब इस पोर्शन का क्या होगा, ये पोस्ट टैक्स लिया जाएगा। पोस्ट टैक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जो टैक्स है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो टैक्स डिडक्टिबल है। तो लोन लेने से आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, तो हम इस पोर्शन को आफ्टर टैक्स कर देंगे। अब इस बीटा अनलिवर्ड को मैं कॉमन लूंगा और इसकी जगह वन बचेगा, और जो बीटा अनलिवर्ड ये हटेगा तो डेट टू इक्विटी बच जाएगा और ये क्या रहेगा, वन माइनस टैक्स रेट। तो ये बीटा लिवर्ड है। अब क्या करता हूँ, बीटा अनलिवर्ड को मैं इधर ले आता हूँ, बीटा अनलिवर्ड इज इक्वल टू बीटा लिवर्ड, और ये पूरा पोर्शन इसको डिवाइड करा देते हैं, वन प्लस डेट टू इक्विटी इंटू वन माइनस टैक्स रेट। ये होने के बाद अब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे प्राइवेट कंपनी का बीटा निकालने के लिए भी, और जो लिस्टेड कंपनीज है उनके केस में भी हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमारी कोई भी एक कंपनी मान लीजिए, हम मान लेते हैं, मान लीजिए TCS कंपनी है, इस कंपनी का हमें बीटा निकालना है। वैसे इस कंपनी का बीटा आपको 50 जगहों पर मिलेगा, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर कंपनी लिस्टेड है और उसमें ट्रेड हो रही है तब भी ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। देखते हैं कैसे। कंपेरेबल कंपनीज लेंगे हम सबसे पहले, मान लीजिए एक्स वाई और जेड। तो कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड कंपेरेबल कंपनीज है TCS के। तो कंपनी एक्स का जो भी बीटा है, जो ब्लूमबर्ग में मिलेगा आपको, याहू फाइनेंस में मिलेगा, वो आप यहाँ रखोगे। कंपनी एक्स का जो भी डेट टू इक्विटी है वो यहाँ रखोगे, टैक्स रेट यहाँ रखोगे और उसे सोल्व करोगे, तो क्या आ जाएगा, कंपनी एक्स का अनलिवर्ड बीटा, एंड दैट इज लेट सपोज 1.2। ये क्या आया है, बीटा अनलिवर्ड। सेम प्रोसेस आप करोगे कंपनी वाई के लिए। कंपनी वाई का जो भी लिवर्ड बीटा है, जो वेरियस वेबसाइट पे दिया हुआ, वो यहाँ पे रखिए। कंपनी वाई का डेट टू इक्विटी यहाँ रखिए, कंपनी वाई का टैक्स रेट यहाँ रखिए और इसे सोल्व करिए, तो कंपनी वाई का अनलिवर्ड बीटा आ जाएगा। कंपनी जेड के साथ भी यही करिए। कंपनी जेड का जो बीटा गिवन है वो यहाँ रखेंगे, कंपनी जेड का डेट टू इक्विटी इधर रखेंगे, कंपनी जेड का टैक्स रेट यहाँ रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, कंपनी जेड का अनलिवर्ड बीटा लेट से 1.6। तो 1.4 क्या आया, 1.4 आपका आ गया एवरेज ऑफ इंडस्ट्रीज अनलिवर्ड बीटा। मतलब ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का बीटा 1.4 है अगर कंपनी में डेट नहीं है तो। अब इसी डेट को हम, इसी एवरेज बीटा को हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे अनलिवर्ड बीटा पे, और कंपनी TCS का डेट टू इक्विटी यहां रखेंगे जो भी है, कंपनी TCS का टैक्स रेट यहां रखेंगे जो भी है। ये जो लिवर्ड बीटा निकाल लेंगे हम, इसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन में ले जाएंगे, जहां पर हम रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF करते हैं। तो ये जो बीटा हम अब निकाल रहे हैं ना, बीटा लिवर्ड, पहले अनलिवर किया, फिर अनलिवर्ड बीटा को लेकर के टारगेट कंपनी TCS के लिवर्ड बीटा को निकाल लिया, तो वो जो नया बीटा आया है उसे यहाँ पे रखेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, और ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी इसे लेकर के हम वैक एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो वैक कैलकुलेशन में ये वाले बीटा लेके जाएंगे। प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये करना ही पड़ेगा, और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो भी ये करना रिकमेंडेड है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है और टर्म वैल्यू कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।